वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. Right? भारत का एक कमेंट आया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने ट्रेड डील रोकी नहीं है। कई कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जानबूझ के जो देश हैं, कोई भी देश हो, मैं सिर्फ भारत या यूके की बात नहीं कर रहा, ये जानबूझ के मीडिया में ऐसी खबरें चलाते हैं जिससे कि दूसरी पार्टी को ये मैसेज पहुंच जाए कि भारत इस पूरी चीज से अपसेट है। और मैं एज एन इंडियन, एक भारतवासी होने के नाते, अगर ये ट्रेड डील रुक जाए ब्रिटेन को एक मैसेज पास करने के लिए, तो मुझे खराब नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मामला है कॉमनवेल्थ का, राइट, कॉमनवेल्थ यानी कि वो देश जिनके ऊपर अंग्रेजों ने एक समय पे राज करा था, वो कॉमन, इन्होंने क्लब टाइप का बना लिया। व्हाई डस इंडिया नीड टू बी पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, मुझे आज तक ये समझ नहीं। देखिए, अंग्रेजों का राज तो यूएस में भी था, अमरीका तो नहीं है कॉमनवेल्थ का हिस्सा। उसके जो भी वजूहत रहे, मैं ये नहीं कह रहा, उसके कई कारण रह चुके हैं और कई कारण हैं, उसके पास्ट में भी रह चुके हैं, आज भी कई कारण हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिका इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। आज भी जो अमेरिकन जो यहाँ पे है राजदूत, उसको हाई कमिश्नर नहीं, उसको एम्बेसडर बोलते हैं, और जो यूके में भी है उसको भी एम्बेसडर बोलते हैं, जबकि अमेरिका में अमेरिकन ने कुछ समय के लिए यूएस पर राज करा था, फिर उन्होंने लड़ाई वड़ाई करी, अंग्रेजों को बाहर भगाया, जैसे कि हर जगह हुआ, भारत में भी यही चीज़ हुई। भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों है? Why is India part of the Commonwealth? What does India gain from the Commonwealth? ये बात देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बाकी जो देश हैं, right? जो बिग फाइव में हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कौन कौन है परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? आपका US है, रूस है, चीन है, आपका इंग्लैंड है, आपका फ्रांस है, ये तो पांच है। अब इसमें से इंग्लैंड हो गया जिसकी वजह से पूरा कॉमनवेल्थ बना, अमेरिका ने मना कर दिया, ये अंग्रेज चाइना पर भी चढ़ दौड़े थे, ये अंग्रेज चाइना पर भी, आपने ओपियम वॉर्स की कहानी पता नहीं आपने सुनी नहीं है, और कई सारी चीजें हुई थी, आप अगर चाइनीज हिस्ट्री पढ़िए, कुछ अंग्रेजों रिलेटेड है, कुछ अंग्रेजों से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मैं रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, आप बॉक्सर्स रेबेलियन के बारे में बात करिए, आप यू नो, और यू कैन टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन चाइना, और अंग्रेजों ने चाइना के ऊपर भी हमला करा था, चाइना के ऊपर भी कब्जा करा था, लेकिन यू सी किस तरीके से हम देखते हैं अपनी पोजीशन वर्ल्ड में। मुझे लगता है कि ये बहुत क्लियर होना चाहिए, अगर हमने ट्रेड डील रोकी है, मुझे नहीं पता कि हमने रोकी है नहीं रोकी, लेकिन अगर हमें ट्रेड डील रोकी है तो ठीक है। कई जो लेफ्ट लिबरल्स हैं ना, जिसको अर्नब कहता है ना, खान मार्केट गैंग वाले, तो ये बड़ा डिस्कशन करते हैं बैठ के कि नहीं, यू नो, इंडियाज फॉरन पॉलिसी इज टू एग्रेसिव, यू नो, भारत को हम इसका देश है, हम उसका पता नहीं किस किस का देश है, हम लोग, मुझे याद ही नहीं आता क्या क्या बोलते हैं हम, वी शुड बिलीव इन पीस। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, जो शांति होती है ना, जो पीस होता है, जो अमन होता है, वो तभी होता है जब आपके दुश्मन को ये पता हो कि यू कैन विजिट वायलेंस एट हिज डोरस्टेप, जब दुश्मन को ये पता हो कि आप उसका मार मार के दुम्बा बनाने की सलाहियत रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, तब जाके अमन और शांति होती है। घर में बैठे बैठे भजन करके कभी अमन नहीं होता। तो जिसकी भी ये गलत फहमी है, जो भी लेफ्ट लिबरल है, अगर उसकी ये गलत फहमी है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, और कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब, इनफैक्ट डॉक्टर शशि थरूर ने बयान दिया था कि यू नो आई वुड एडवाइज जय, यानी डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहे हैं, टू बी यू नो यू स्लाइटली टोन डाउन, कूल डाउन अ लिटिल बिट। व्हाई व्हाई आपको क्या ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को एक खुली छूट मिलनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत वो हमारे किसी भी हाई कमीशन, किसी भी एम्बेसी, किसी भी कॉन्सुलेट पर चढ़ दौड़े, एंड देर आर नो रिपरकशंस? देर शुड बी कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि देर शुड बी कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इसका जो जुर्माना है वो खालिस्तानियों को तो भरना ही भरना है, जो उनके होस्ट हैं यूके, यूके को भी जुर्माना भरना है। वो दिन चले गए जब भारत एक बहुत गरीब मुल्क हुआ करता था, तब वैसे जब भारत गरीब मुल्क हुआ करता था तब भी भारत ने कभी किसी का डिक्टेशन नहीं लिया। Nobody could have told Mrs. Indira Gandhi,
राइट, उनकी 10 गलतियां होंगी इंदिरा गांधी जी की, और मैं उनसे कई चीज़ों में डिसएग्री करता हूँ, बट नोबडी कुड हैव बुलेट इंदिरा गांधी, यू नो शी वॉज नॉट अ लेडी हु कुड हैव बीन बुलेट कि आप ये करो ये करो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. तो अब तो भारत बिल्कुल अलग रूप में आ चुका है. वाई शुड वी टेक डिक्टेशन जी? अगर कल यहाँ पे लोग चढ़ दौड़े ना यूके हाई कमीशन के ऊपर नई दिल्ली में, अब देख लीजिएगा इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की. ये गोरा इतना गाना गाएगा, मैं बता रहा हूँ, गोरा इतना गाना गाएगा कि आप मान नहीं सकते गोरा कितना गाना गाएगा. गोरा गाना गागा के मतलब गोरा हवा बना देगा. लेकिन हमारे हाई कमीशन, हमारे एम्बेसी में जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आई थिंक, मुझे नहीं पता भारत ने ट्रेड डील रोकी है नहीं रोकी, आई डोंट नो. पर अगर भारत रोकता है तो आई विल बी अ फर्म सपोर्टर, और मैं चाहता हूं कि आप भी इसके बारे में ट्वीट करिए और सोशल मीडिया में डालिए. इंग्लैंड को पता होना चाहिए, यूके को पता होना चाहिए, यू डोंट मेस विद इंडिया. हम आपके लिए कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे, ना हमारे दिल में है, ना हम आपके खिलाफ कुछ चीज़ कर रहे हैं. तो आप हमारे खिलाफ इन लोगों को मत भड़काइए. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यूके हमारे खिलाफ भड़का रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये जो खालिस्तानी है इतने डरपोक चूहे हैं कि जब तक इनको शय ना मिले ना, ये बिल से बाहर नहीं निकलते. इनको चाहिए कि मैं बिल से निकलूंगा, मेरा बाप खड़ा है सामने, बैक होती है ना किसी की, तो मेरा बाप खड़ा है वो कौन? इनको लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून इनको प्रोटेक्ट करेंगे. तो अब इनको ये दिखाना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. तुम भागोगे पूरी दुनिया में, और ऐसे प्लान्स बन रहे हैं. मेरी बात हुई है एक दो लोगों से, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा इन द नेक्स्ट 3-4 वीक्स. आई थिंक यू विल कम टू नो, और मे बी इन अ मंथ और टू, क्योंकि इन सब चीज़ों में समय लगता है, लेकिन आपको पता लग जाएगा. मैं आज आपको बता रहा हूँ. आप इस वीडियो का ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो को सेव करिएगा. गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट खालिस्तानी दुनिया में कहीं पर. वो कनाडा में हो ना, वो कनाडा में हो, वो US में हो, वो ऑस्ट्रेलिया में हो, वो इंग्लैंड में हो, UK में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोना टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम. आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा. अब ये खालिस्तानी बैठ के सोच रहे होंगे, यार हमारे खिलाफ, हम तो कनाडा में बैठे हैं, हमारे खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? होगा बेटा, होगा. तुम देखो पंजाब आने के लिए तरसोगे, तुम लोग पंजाब आने के लिए तरसोगे, नाक से खून निकलेगा तुम्हारे पंजाब आने के लिए. किस तरीके से तुम्हें कट करते हैं यहाँ, हिंट दे रहे हैं, और वहीं पर खालिस्तान बनाना, ठीक है, टोरंटो के बगल में, टोरंटो फ्लोरिडा, उसके बगल में बनाना खालिस्तान, अपने झंडे लेके अपनी SUVs में और अपने ट्रैक्टर में वहीं पर घूमना बेटा, ठीक है, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं. और तुम देखो क्या क्या होता है तुम्हारे साथ. अभी तो खाना, अभी तो डेग चढ़ी है ना, अभी तो गैस पे चढ़ी है डेग. अब तुम देखो उसके अंदर से कौन सा पकवान निकलता है, तुम्हें बाद में पता लगेगा. नहीं गया तो दोस्तों, खालिस्तानी आजकल ना बड़ा फ़ोन कर रहे हैं, बड़ा फ़ोन कर रहे हैं साहब, ये मेजर वो मेजर तोड़ी ये, और सब कुछ साड़ी है जी, थोड़ी कुछ भी नहीं. ऐसा मत करो यार, इतनी नाइंसाफी मत करो यार मेजर के साथ. सबको साड़ी थोड़ी कुछ भी नहीं है जी. चलो नेक्स्ट खबर पे जाते हैं दोस्तों. अमृतपाल सिंह का जो पपलप्रीत सिंह है, उसको अरेस्ट कर लिया गया. आपने कल खबर पढ़ी होगी, पपलप्रीत सिंह ने अरेस्ट कर लिया है, और उसको ही हैज बीन डिटेन्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. पपलप्रीत सिंह उत्तर, तू तो गया अब तू जेल के अंदर, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गया, तो अब ये देखना पंजाब में नहीं रहेगा, अब ये कहीं और इसको ले जाएंगे, फ्लाइट में डालेंगे. ये आंध्रा वांध्रा निकल जाएगा, मणिपुर कहीं निकल जाएगा, ये असम कहीं पर चला जाएगा. और आप देखिएगा पपलप्रीत सिंह, मैं चाहता हूँ पपलप्रीत सिंह, अगर तुम्हें कोई वीडियो पहुंचा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उस जहां पे जेल में तुम्हें रखेंगे ना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे ज़रा बुलंद करे जाएं, मेजर की कानों तक आने चाहिए. हमें भी तो पता लगे कितना दम है तुम में. चूहा पकड़ा गया, भाग रहे थे चोरों की तरह, भाई साहब चोरों की तरह भाग रहे थे, और इसका बाप जो अमृतपाल, वो अभी तक भाग रहा है. अमृतपाल भी आएगा, ये भी आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना. एक तो यार ये जो लिखते हैं ना ये मीडिया वाले, रेडिकल फ्यूजिटिव रेडिकल सिख प्रीचर अमृतपाल सिंह, एक तो देखो यार ये सिख है ही नहीं अमृतपाल सिंह. जब मन चाहता है बाल काट लेता है, जब मन चाहता है बाल बढ़ा लेता है, जब मन चाहता है पग पहन लेता है, जब मन चाहता है ये कुछ कर लेता है. ये देखो ये सिख है ही नहीं, ये बहरूपिया है. इस बंदे ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई कि मैं, मेरी शक्ल भिंडरांवाले से मिल रही है. तो मैं मीडिया वालों से, जितने भी इंडियन मीडिया है, मैं आपसे विनती करता हूँ, इसको सिख मत बोलो, ठीक है, सिख तो छोड़ दो, पूरी इंसानियत के नाम पे बदनुमा दाग है अमृतपाल. ये सिख है ही नहीं यार. जो सिख भाई बहन है वो तो इज्जतदार लोग होते हैं यार, वो शरीफ अच्छे लोग होते हैं. ये अमृतपाल तो चोर है, ये तो खालिस्तानी है.
और मैं तो कह रहा हूँ ये पहले क्रिमिनल है, बाद में खालिस्तानी है, तो प्लीज इसको सिख प्रीचर मत बोलिए, ठीक है ना। ये कोई प्रीचिंग, सिख प्रीचर वो होता है, अगर कोई है जो सिख प्रीचर, वो जो आपको गुरबाणी के बारे में बताए, आपको गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बातें बताए, क्या लिखी है, ये अमृतपाल सिंह, ये बहरूपिया, इसको कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहब तो बहुत ऊंची चीज़ है, इसको 2+2 नहीं पता, इसको रेडिकल सिख प्रीचर, ये सिख नाम जो है, मैं पूरी मीडिया से, भारत की मीडिया से मैं विनती करता हूँ, प्लीज़ ये जो वर्ड है सिख, ये बड़े इज्जत का लफ्ज़ है, ये बड़ा ऊंचा लफ्ज़ है, आप ये खालिस्तानी कीड़े मकोड़ों के साथ ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर से ऐसे दो कौड़ी के क्रिमिनल अमृतपाल सिंह के साथ, प्लीज़ आप ये बोलें थीफ अमृतपाल सिंह, ठीक है, चोर अमृतपाल सिंह, डकैत अमृतपाल सिंह, सी कैटेगरी का खालिस्तानी अमृतपाल सिंह, ये सब बोलें, ठीक है, ये इज्जत सिख है, सिखी है, दीज आर वर्ड्स ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट, नॉट टू बी यूज्ड विद पेटी क्रिमिनल्स लाइक अमृतपाल सिंह, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पवनप्रीत, हैव अ गुड स्टे एट द डिब्रूगढ़ हिल्टन, Nobody can take our land. अमित शाह जी अरुणाचल गए, अरुणाचल में जैसे ही वो लैंड करते हैं चाइना ऑब्जेक्ट करता है, चाइना कहता है कि अमित शाह जी जो हैं वो अरुणाचल नहीं आ सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू चाइना दैट इज साउथ टिबेट। तो ये जाना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये अमित शाह जी वहाँ पे गए, बहुत अच्छा उन्होंने काम करा, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ये नहीं कह रहे थे हम इसका नाम बदल देंगे, वो नाम बदल देंगे, वो पाकिस्तानी टाइप हरकतें करी थी चाइना ने कि हम इसका नाम बदल देंगे, उसका नाम बदल देंगे, ठीक है, हम भी बेटा कल बीजिंग का नाम ना लक्ष्मणपुर रख देंगे, और बताओ नाम रखने में क्या है, अपने मैप पे तो बदलना है, कंप्यूटर में एक की दबानी है, कल से बीजिंग का नाम लक्ष्मणपुर होगा और मंदिर वहीं बनाएंगे बेटा, और बताओ। तो ये ज़्यादा ना, ये गलत फहमी अपने बारे में, चाइनीज़ गलत फहमी अपने बारे में मत पालो, और ये जो मैं वीडियो में कह रहा हूँ ना, अगर तुम्हें ना समझ में आए तो जो पाकिस्तानी तुम्हारे जो है ना ये बच्चे छोटे छोटे पाकिस्तानी सपोले, ये ट्रांसलेट करके बताएंगे तुम्हें कि मेजर ने क्या बोला है, लेट देम ट्रांसलेट फॉर यू, ठीक है ना। तो ये अमित शाह जी का बहुत, मैं तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी भी जाएँ वहाँ पे, बहुत खूबसूरत जगह है अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पे जो अरुणाचल स्काउट्स हैं उनको भी विजिट करें, अरुणाचल प्रदेश गए, देखिए वो ब्यूटी है अरुणाचल में, और वो जाहिर सी बात है इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बड़े अच्छे लोग हैं और बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बार मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज गो टू अ यूनिट ऑफ द अरुणाचल स्काउट्स एंड हैव फूड विद देम, उनके साथ खाना खाइए सर, आपको मजा आ जाएगा, क्या तगड़े लोग हैं अरुणाचल स्काउट्स वाले, क्या बढ़िया फौजी हैं, सो यू मस्ट गो टू अरुणाचल स्काउट्स एंड हैव फूड विद देम सर, ये मेरी बहुत ही ज्यादा, तो ये एक एक्शन ही है ना, क्योंकि यूके ने, यूके को भी चाहिए ना कि वो खालिस्तानियों को सपोर्ट ना करें, क्योंकि खालिस्तानियों को पता है कि उनकी बैक पे कोई ना कोई तो है, तभी तो वो इतना वो कर रहे हैं सब कुछ, हंगामा या जो भी सूरत हाल चल रही है, जैसे कि आपको पता ही है खालिस्तान का मुद्दा तकरीबन ऑलमोस्ट एक मंथ होने को है यार, है ना, ऑलमोस्ट एक मंथ होने को है खालिस्तान का जो मुद्दा चल रहा है, और जिस तरह से मेजर साहब बात भी करते हैं इस पे, इस टॉपिक पे, तो उन्होंने कहा यूके के साथ ट्रेड को लेके सीरियसली अगर रुक भी जाती है तो कोई इशू नहीं है इस रिलेटेड, है ना, ये बात कर रहे थे, और अब इसमें बता रहे थे मतलब अंग्रेजों ने सब हुकूमत की, एक टाइम से जब उसने भारत पर भी अंग्रेजों ने हुकूमत चलने की बहुत ज़्यादा सोची थी उसने, क्या जरूरत है ना भारत को इसका हिस्सा बने रहने की, तो मतलब अगर चाहे भारत तो इसमें ना भी हिस्सा बने रहे तब भी कोई मसला नहीं है। तो आज जो टॉपिक था हमने इतना ही क्लियर मतलब जो था कवर किया मेजर साहब का, आई होप सो आपको आज की वीडियो जो है वो हमारी पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो सबसे पहले आपसे पहुंचे बिल्कुल, और हम अगर आपके पास कोई और वीडियो हो जो आप चाहते हैं जिसपे हम लोग रिएक्शन दें तो आप लास्ट में हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस वीडियो पे भी रिएक्ट करेंगे, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।